So guys, 16 सब लोगों की आ चुकी है अब ए पी एफ सी ए दोनों एग्जाम्स की डेट सेकंड जुलाई है तो अब बिल्कुल भी ढीला ना अपने रहना है और ना अपने अपने टीचर को रहने देना है अब ठीक है तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको खींच के रखना है अपने टीचर को भी चाहे जैसे मर्जी लेक्चर्स आए आपने टीचर को पूरा खींच के रखना है कि सर लेक्चर डालो जितने हो सके और आप लोगों ने भी जुड़े रहना है ठीक है एंड जनरल साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन पेपर के अंदर आने ही आने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यूपीएससी के अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए तो ऑलमोस्ट आपका पूरे का पूरा जनरल साइंस कवर है अगर आपने सीडीएस के फॉर एग्जांपल 10 साल के क्वेश्चन कर लिए ना आपका साइंस क्लियर है क्वेश्चन दिखाने से पहले दोस्तों एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स अभी ले लो मोस्ट बेनिफिशियल टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का आई आर एल लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप का है ओके okay, ऑफ भी चल रहा है यूपीएससी ईपीएफओ अगर आप कोड यूज करते हैं अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज का आपको एक कोर्स पड़ता है वेरी चीप एंड पीडीएफ फाइल्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कोर्स बाय प्रोटोजो जितने भी आपके मेजर डिजीजेस हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा वायरल डिजीज है कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कौन सा प्रोटोजोअन इन्फेक्शन है वो कैटेगराइजेशन आपके पास होनी चाहिए डायरेक्टली वो पेपर में पूछता है ओके सो so, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है दोस्तों ऑप्शन ए मलेरिया बी इन्फ्लुएंजा सी एड्स डी कॉलरा तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया मलेरिया जो है आपका ये एक प्रोटोजोअन इन्फेक्शन है एंड काला अजर भी आपका प्रोटोजोन माइक्रोबियल इंफेक्शन के अंदर आता है तो मलेरिया और काला अजर प्रोटोजोन इन्फेक्शन है याद रखना सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन ये ना मैंने डायरेक्टली एनसीआर में से क्वेश्चन पिक किए हैं ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली एनसीआरटी में से भी पिक किए हैं प्रीवियस ईयर में भी ये पूछे गए हैं ओके बट यहां पर एक दूसरे सेंस में मैं इनको लेकर के आया हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने सो so, इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट में आने पर इन्फेक्शन करेगा हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज स्नीजिंग या ब्लड कैंसर बेसिकली कौन सा डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीज हम इसको क्या बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज ठीक है जी तो कौन सा कॉम्युनिकेबल डिजीज है तो यहां पर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और जनरल साइंस में आप कहोगे कि सर इतना सिंपल कई बार यूपीएससी के जो 10 से 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन है ना उसमें दो तीन तो ऐसे होंगे ठीक है जो बहुत सिंपल होते हैं आंसर ऑप्शन सी स्नीजिंग देखो ब्लड प्रेशर अब किसी का बीपी हाई हो रहा है तो वो आपका थोड़ी हो जाएगा सिमिलरली अगर किसी के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है वो भी कॉम्युनिकेट नहीं होती ब्लड कैंसर भी किसी को छूने से नहीं होता स्नीजिंग होती है कि आपके सामने अगर कोई छीक रहा है तो छीकने से क्या होता है उसकी बॉडी से नोज से माउथ से आ, जो पोर्स रिलीज होंगे जो माइक्रोबियल पोर्स होंगे वो रिलीज होंगे वो आपकी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड दस आपको भी छीके लग जाती हैं जनरली ये देखने को मिलता है ओके सो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मूव करते हैं और जनरली ये फ्लूइड्स के थ्रू मूव करते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ठीक है तो कॉम्युनिकेट देम्युनिकेटेड थ्रू फ्लूइड्स क्योंकि ये जो फ्लूड हैं ये इतने माइक्रोबियल होते हैं कि ये एयर के अंदर इजीली स्प्रेड हो जाते हैं ठीक है बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं इवन नॉट विजिबल विद योर आईज अब इसके अंदर एग्जांपल जैसे कॉमन कोल्ड हो गया करोना आपका जो है वो क्या है वो भी एक कॉम्युनिकेबल डिजीज ही है ना नमोनिया हो गया ट्यूबर हो गया तो ये सारे क्या है आपके कॉम्युनिकेबल डिजीजेस हैं अब देखो ट्यूबर और न्यूमोनिया न्यूमोनिया सारे बंदों को नहीं पता होता कि ये फैलता है पर न्यूमोनिया भी आपका स्प्रेड होता है टीबी भी आपका स्प्रेड होता है ठीक है अब जैसे यहां पर तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा था जो भी पीछे क्वेश्चन था अगर मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं ना विच अमंग द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट और ऐसा कुछ और यहां पर टीबी और वो भी होता ऑप्शन के अंदर न्यूमोनिया तो बहुत सारे बच्चे न्यूमोनिया को एलिमिनेट कर देते तो न्यूमोनिया कॉम्युनिकेबल डिजीज होता है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ थर्मल इक्वल रिबियम में है इफ एंड ओनली इफ ऑप्शन ए हीट फ्लो हो रहा है दोनों के बीच में दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है ऑप्शन बी देर कैन नॉट बी अ हीट फ्लो बिटवीन देम इवन इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन दोनों में हीट फ्लो नहीं हो पा रहा ऑप्शन सी देर इज नो हीट फ्लो बिटवीन देम ऑप्शन डी देर टेम्परेचर आर स्लाइटली डिफरेंट ठीक है तो अब इसके लिए थर्मल इक्विलिब्रियम का बड़ा सिंपल सा है थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज हैं बॉडी ए और बॉडी बी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है ठीक है ए बॉडी जो है वो गर्म है वो ज्यादा गर्म है फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और बी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर सिर्फ वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस है तो थर्मोडाइनेमिक्स या थर्मो थर्मल इक्विलिब्रियम का ये जो कंसेप्ट है ये क्या बोलता है कि हीट ट्रांसफर होगी जो ज्यादा हीटेड बॉडी है उससे ट्रांसमिट होगी लोअर हीटेड बॉडी को और ये हीट तब तक ए से बी तक ट्रांसमिट होती रहेगी जब तक ए और बी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता ठीक है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा ना तो हम बोल देंगे कि स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड ए और बी का का दोनों सेम हो जाएगा ठीक है ए की जो टेम्परेचर है वो उसको कंटिन्यूसली बी को ट्रांसमिट करेगा तो वो बी को भी गर्म कर देगा ठीक है अपने टेम्परेचर पर ले आएगा बी को तो इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर कैन बी हीट फ्लो बिटवीन देम इवन इफ दे आर देयर कैन बी हीट फ्लो बिटवीन देम इवन इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर ओके okay. तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है ये स्टेट अगर हीट फ्लो अभी भी हो रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है ना थर्मल इक्विलिब्रियम तो तब होगा जब कोई हीट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया तो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता देयर कैन नॉट बी अ हीट फ्लो बिटवीन देम इवन इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर हां जी अगर बॉडीज एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो उसमें हीट फ्लो नहीं होगा अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे भी है बट ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ही नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम तो कह रहा है कि टेम्परेचर फ्लो करके इक्वल हो जाएंगे तो बी भी आंसर नहीं है टेम्परेचर आर स्लाइटली डिफरेंट जब तक टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा तो फिर कोई हीट फ्लो नहीं होगा ठीक है जब दोनों का ए और बी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो कोई हीट फ्लो नहीं होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपल कंसेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम का सिक्स टू टेंथ क्लास की साइंस में पढ़ाया जाता है ओके okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन यार इतने एग्जाम्स में आया ना जर्मन सिल्वर के ऊपर एनसीआरटी के अंदर मेंशनड है इतने एग्जाम्स में आया स्टेट के एग्जाम्स में सीडीएस के अंदर सीएपीएफ के अंदर हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है जर्मन सिल्वर के ऊपर ठीक है जी तो कहता है कि जर्मन सिल्वर जो है ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स कॉइंस ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होता है और इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों है ऑप्शन ए ये कॉपर का एक एलॉय है एंड इसके अंदर सिल्वर है ऑप्शन डी इट इज एन अलॉय ऑफ सिल्वर तो बहुत से बच्चे जो तुक्का लगा करके आते हैं वो तो यही सोचते हैं कि जर्मन सिल्वर यानी कि चांदी का कुछ है ठीक है आंसर इसका होगा आपका बेटा ऑप्शन सी ठीक है ये चांदी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है सिल्वर का एक परसेंट भी कंटेंट नहीं होता जर्मन सिल्वर के अंदर जस्ट बिकॉज इसकी अपीयरेंस सिल्वर के तरह होती है इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है और इसका सिल्वर से कोई और लेना देना नहीं है तो जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर भी कहते हैं ये एक एलॉय है एलॉय बेसिकली किन मेटल्स का है इसके अंदर आपको कॉपर मिलेगा निकल मिलेगा और जिंक मिलेगा ठीक है समटाइम्स टिन और लेड भी इसके अंदर जो है एड किया जाता है बट मेजरली जो इसके अंदर आपको कंपाउंड मिलते हैं वो होता है निकल कॉपर और आपका जिंक निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि जर्मन सिल्वर किन किन का एलॉइज है तो निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक ये याद रखना है ओके टफनेस हार्डनेस और क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है ओके एंड जर्मन सिल्वर इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज सिल्वर व्हाइट कलर होता है काफी शाइनी लुक देता है इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है ना तो इसका जर्मनी से कोई लेना देना ना जर्मन लोगों से कुछ लेना देना है ना चांदी से कुछ लेना देना नेक्स्ट प्लांट्स कंटेन अ वेराइटी ऑफ स्टेरॉल्स लाइक स्टिग्मा स्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल सीटोस्टेरॉल इट एक्स्ट्रा विच वेरी क्लोजली रिजेंबल कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर होता है ना कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तरह ठीक है जो ये प्लांट स्टेरॉल्स हैं इनको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए फाइटोस्टेरॉल्स बी कैल्सीफेरॉल्स डी एर्गो कैल्सीफेर डी ल्यूमिस्टेरॉल्स स्टेरॉल्स बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ स्टेरॉइड ओके तो इनको बेटा बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल तो ये जो फाइटोस्टेरॉल है जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड होते हैं ना वैसे प्लांट के अंदर भी स्टेरॉइड होते हैं तो ये प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड्स हैं आपके सारे स्टिग्मास्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल सिस्टोस्टेरॉल ठीक है सो स्टेर विच आर अवेलेबल इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोस्टेरॉल्स और जो एनिमल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं जू स्टेर ओके मोस्ट सिग्निफिकेंट जू स्टेरॉल आपकी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपका स्टेरॉइड बढ़ जाते हैं बॉडी में इसका मतलब और वो काफी डेंजरस होता है बॉडी के लिए एंड जो फाइटोस्टेरॉल्स इंपॉर्टेंट फाइटोस्टेरॉल्स हैं उसमें केम्पेस्टेरॉल साइटोस्टेरॉल स्टिग्मास्टेरॉल ये सब आ जाते हैं एर्गोस्टेरॉल भी एक स्टेरॉइड है प्लांट्स के अंदर और ये ज्यादातर फंगाई के अंदर आपको मिलता है ठीक है इसका सेम रोल होता है जैसे कोलेस्टोरॉल का रोल होता है एनिमल सेल्स के अंदर वैसे ही एर्गोस्टेरॉल का रोल होता है फंगाई के अंदर ठीक है तो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं आपके प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड ये याद रखना विद दिस वी आर डन विदेश फाइव क्वेश्चन गाइस एज क्विकली एज पॉसिबल एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को और बाकियों को भी शेयर करना है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय